वेस्ट बंगाल एक्सिम टॉय ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से यहां कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें टॉय ट्रेडरों ने ये ऐलान किया कि वो एक दिन के लिए दुकानें बंद रखेंगे। वाजह रहे कि मरकजी हुकूमत ने अपने बजट में जो खिलौने बाहर से आते हैं उस पर 200% टैक्स का इजाफा कर दिया है, जिससे खिलौने के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसी के खिलाफ बतौर एहतजाज एक दिन के लिए हड़ताल करने का फैसला किया गया है। इस मौका पर मौजूद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अक्षय ने कहा कि हुकूमत हिंद ने अपने बजट में टॉय के इंपोर्ट पर 200% का इजाफा किया है, जिससे खिलौने महंगे हो जाएंगे। वाजह रहे कि ये खिलौने ज़्यादातर चीन, मलेशिया और अमेरिका से आते हैं। हुकूमत ने उस पर ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। आइए सुनते हैं कि अक्षय और मोहित ने इस बारे में क्या कहा। इस बार के यूनियन बजट में टॉयज़ पे 200% ड्यूटी हाइक करके 20% जो ड्यूटी थी उसको 60% कर दिया गया है। हमारा मुद्दा यही है, हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो ड्यूटी जो 200% बढ़ाई गई है इसको रोल बैक किया। अच्छा, तो कितना एसोसिएशन आपका साथ जुड़ा हुआ है? ऑल इंडिया हमारी सारी अलग अलग स्टेट्स की एसोसिएशन एक्टिव हो रही है इसको लेकर। सी, टॉयज वॉज नेवर अ प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड सेक्टर। डेटाज भी अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट इज ऑल्सो आस्किंग डेटा फ्रॉम अस ऑल्सो, राइट। सो अब सिंस इतना बड़ा एक इफेक्ट हुआ है टॉय इंडस्ट्री पे, तो सारी एसोसिएशन बन रही हैं, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कुछ नई से बन के वापस एक्टिव हो रही हैं, एंड द प्रोटेस्ट विल बी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कोलकाता में हमने एक सिम्बॉलिक ट्रेड बंद रखा है, टॉय ट्रेड बंद रखा है। क्यों इतना बढ़ा दिया? आपको क्या लग रहा है? आपका क्या लग रहा है, किस लिए? देखिए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया। द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल, इवन द ट्रेड वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। अगर हम एक इंडियन मैन्युफैक्चरर का टॉय बेचें तो हमें उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी, राइट। बट ओवरनाइट मेक इन इंडिया होना पॉसिबल नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करने के चक्कर में एक लोकल जो ट्रेडर है, छोटा दुकानदार है, जो छोटी एक टॉय शॉप है, उसके पास वैरायटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ इम्पोर्टेड टॉयज ही हैं जो बेच पा रहे हैं। वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हार्डली हंड्रेड्स में होंगे, और जो लोकल रिटेलर या फिर गांव का एक रिटेलर या शहर का एक टॉय सेलर लाखों की तादाद में है। सो अगर आप कंपेयर करें तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा उनके ऊपर जो लाखों की तादाद में, ना कि जो कुछ सौ हैं। अब हम भी चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग फ्रेटर्निटी बहुत बड़े रूप से डेवलप होए, इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बने, टॉय हब बने, बट इट हैज़ टू बी फेज वाइज। अगर सिर्फ आप सोचते हैं कि 200% ड्यूटी बढ़ा के मैन्युफैक्चरिंग रेडी हो जाएगी, तो आई रियली डाउट दैट। द एंटायर बॉडी डाउट्स दैट, एज वेल एज मिसलीडिंग ऑफ डेटा गिवन टू गवर्नमेंट, डेटा को मेजर रीजन। गवर्नमेंट को भी गलत डेटा मिला। गवर्नमेंट को ये चीज़ दिखाई जा रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर है, बट अगर आप गवर्नमेंट डेटा पे ही जाएंगे तो वही इस चीज़ को बताते हैं कि देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, एज वेल एज ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्ट। ओनली डेटा कलेक्ट, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, डेटा कलेक्ट करने के लिए मेनी पीपल आर अप्रोचिंग गवर्नमेंट कि हमें फ़ंड दीजिए कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज डेटा निकालें। तो आप सोचिए कि क्या लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे टॉय इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का। और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चाइना और मलेशिया से संपर्क खराब है, इसलिए भी बढ़ा दिया है? देखिए, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल मैटर है, इस पर हम लोग नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम लोग अगर ट्रेड पे डायरेक्ट बात करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हमें ये समझ में आता है कि एक बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है खिलौना, और उसके लिए हम लोग हर जगह जहाँ पे भी लड़ सकेंगे लड़ेंगे कि वो उसके अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आए। क्योंकि एक पेरेंट की थॉट क्या होती है वो आप समझे, पेरेंट क्या चाहता है कि अपने बच्चे को जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो पूरा करे। और आप भी जानते हैं, अपने घर में सबसे ज़्यादा अगर उसको कोई चीज़ के लिए, किसी भी पिता को, आप भी यहाँ से काम करके जाएंगे तो सबसे पहले अपने बच्चे को खोजेंगे, भाई वो कहाँ है। तो वो अगर डिमांड करता है कि मुझे ऐसा खिलौना चाहिए, रोबोट चाहिए या मुझे कोई गाड़ी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं उसको ला के देंगे, लेकिन अगर वो आपके आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उस नेसेसिटी को मारेंगे और उसका इफेक्ट आपके लाइवलीहुड पर पड़ेगा। तो हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।